ट्रैफिक पुलिस की सीटी, रेफरी साहब की सीटी, कुकर की सीटी, इसकी सीटी, उसकी सीटी। आप भी सोच रहे होंगे कि OMG में इतनी सारी सीटियाँ क्यों बज रही हैं? तो भाई ये सारी सीटियाँ एक तरफ और ये वाली एक तरफ। एक मिनट, ये तो अपनी पूरी बत्तीसी दिखाकर मुस्कुराए जा रहे हैं, तो सीटी कौन सी सीक्रेट जगह से बजा रहे हो भाई? कंफ्यूज हो गए ना? एक्चुअली ये है हमारे वर्ल्ड चैंपियन स्माइलिंग विस्लर मुंबई के निखिल राणे। स्माइलिंग विस्लर ये एक इट्स अ स्टाइल ऑफ विस्लिंग जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है दुनिया को। देर आर ओनली टू विस्लर्स इन द वर्ल्ड हु विस्ल लाइक मी। लोग सरप्राइज हो जाते हैं बहुत बार कि अरे यार ये हंस रहा है कि विस्ल कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि मैं हंस के विस्ल कर रहा हूँ। आमतौर पर हमारे देश में विस्लिंग को बड़े नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, लेकिन निखिल म्यूजिकल विस्लिंग को लेकर इतने पैशनेट हैं कि वो इसके अलग लेवल पर जा चुके हैं। और जापान में हुई वर्ल्ड विस्लिंग चैंपियनशिप में हिक्की फुकी कैटेगरी के 2-time चैंपियन बन चुके हैं। अरे यार, लेकिन ये हिक्की फुकी है क्या? इन जापानीज वर्ड हिक्की मींस अकॉम्पनीमेंट एंड फुकी मींस विस्लिंग। यू हैव टू विसल एंड साइमल्टेनियसली यू हैव टू प्ले सम इंस्ट्रूमेंट्स। किसे पता था कि ऐसी कोई चैंपियनशिप भी होती है? इनफैक्ट खुद निखिल को भी नहीं पता था। 1972 से वर्ल्ड विस्लिंग चैंपियनशिप हो रही है इंटरनेशनल विस्लिंग चैंपियनशिप के नाम से, लेकिन इंडिया से कोई विस्लर जा नहीं सका था। और ये चीज़ मैंने मेरे जहन में बिठा ली थी उस वक्त कि जब मैं चैंपियनशिप के लिए गया था, मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करना है। आज निखिल सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन नहीं बल्कि दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो प्रोफेशनल विस्लर्स हैं। 1500 सॉन्ग्स में विस्लिंग का इस्तेमाल हुआ है बॉलीवुड्स के। मैंने भी बहुत सारे एड्स किए जिसमें मेरा विस्लिंग एज ए इंस्ट्रूमेंट प्ले किया गया है। अपनी टीम के साथ वो कई विस्लिंग इवेंट्स में परफॉर्म करते हैं और वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते हैं। माना जाता है कि विस्लिंग की भाषा 2500 साल पहले पर्शियंस ने इन्वेंट की थी। बैटल ऑफ सलामिस में हारने के बाद पर्शियन सर्वाइवर्स पकड़े जाने के डर से एक दूसरे को सीटी बजाकर सिग्नल्स भेजते थे। तब से लेकर अब तक विस्लिंग के कई स्टाइल्स इवॉल्व हुए। 5 अलग तरह की सीटियां होती हैं। फर्स्ट इज फिंगर विस्लिंग जो उंगलियों से बजती है लाइक दिस। सेकंड इज हैंड विस्लिंग। थर्ड इज टिथ विस्लिंग। फोर्थ इज पक्का विस्लिंग। फिफ्थ इज पैलेट विस्लिंग जो मैं करता हूँ। और मैंने ये स्टाइल को थोड़ा और ब्रॉड कर दिया, मैंने स्माइल कर दिया उसमें एड। सीटी चाहे आप जैसी भी मारे, निखिल का कहना है कि अच्छा विस्लर बनना है तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैं जॉगिंग करता हूँ बेसिकली, और जॉगिंग करने के टाइम मैं ऑन वेरी वन स्टेप आई विसल। उससे लंग्स कैपेसिटी आपकी इंप्रूव होती है, आपकी जो साउंड है लाउडनेस जो आता है आपके विसल में वो इंप्रूव होता है। निखिल का मानना है कि इंडिया में कई टैलेंटेड विस्लर्स हैं जिन्हें बस सही दिशा और ट्रेनिंग की जरूरत है, इसलिए आज उनकी अपनी विस्लिंग एकेडमी है और वो विस्लिंग पर PhD भी कर रहे हैं। वाओ, PhD! मानना पड़ेगा निखिल का टैलेंट जितना हटके है उनका विजन उतना ही जोरदार है, और उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर खुद पर भरोसा हो तो एक सीटी भी बड़ी से बड़ी कामयाबी का बिगुल बजा सकती है। OMG, ये मेरा इंडिया।